हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक थ्योरी को जो कि है डीकंस्ट्रक्शनिज्म। डीकंस्ट्रक्शनिज्म जो वर्ड है ये बेसिकली तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है डी, सेकेंड हमारे पास है कंस्ट्रक्शन और थर्ड है हमारे पास इज्म। इज्म जो है ये किसी भी वर्ड के लास्ट पर लग जाए तो वो वर्ड क्या हो जाता है, थ्योरी बन जाता है। तो यहाँ पर डीकंस्ट्रक्शन हमारे पास वर्ड है और इसके साथ आईएसएम लगा दिया तो ये बन गई थ्योरी। डीकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का तो वर्ड हर किसी को पता है, इसका मतलब तो हर किसी को पता है कि कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना। और डीकंस्ट्रक्शनिज्म उसके ऑपोजिट होगा, यानी कि किसी चीज को तोड़ना। अब हम किसी चीज को क्यों तोड़ेंगे, हम उसे इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम थ्योरीज को अंडरस्टैंड कर सकें, हम बेसिकली ये जान सकें कि उस पीस ऑफ वर्क में राइटर हमें कहना क्या चाह रहा है, उस पीस ऑफ वर्क का बेसिक मीनिंग क्या है। उसको समझने के लिए हम डीकंस्ट्रक्शनिज्म की थ्योरी को यूज करते हैं। और इसका बेसिक जो यूजेज है वो तब होता है जब हम शेक्सपियर जैसे राइटर्स के वर्क्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, तब हम उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि इस पार्ट में राइटर ने इस चीज से कंपैरिजन करके ये बात बताना चाहिए। तो अभी चलें स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें आ जाता है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग समथिंग डाउन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये एक ऐसा एक्ट जिसमें हम चीजों को तोड़ते हैं। अब ये नहीं कि आप अपने घर की खिड़कियां तोड़ने लग जाओ, दरवाजे तोड़ने लग जाओ, ये वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। इससे मुराद हमने किसी पीस ऑफ राइटिंग को तोड़ना है। हमारे पास कोई पोएम है या कोई लाइन है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक लाइन समझाई थी कि डीकंस्ट्रक्शनिज्म। मैंने क्या किया, इस वर्ड को तीन हिस्सों में तोड़ा और फिर आप लोगों को समझाया, जिस तरह आप लोगों को समझ आ गई इसी तरह सेम हमारे पास डीकंस्ट्रक्शनिज्म में हम लोग यही करते हैं। तो कोई पीस ऑफ राइटिंग हम उठाते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट हम तोड़ देते हैं, सेपरेट कर देते हैं और फिर उसके बाद उनको समझ के कंबाइन करते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं अपने इर्द गिर्द की चीजों से और उसको अच्छे से ताकि हम समझ सकें। अब यहाँ पर इस जो है डीकंस्ट्रक्शनिज्म, इस थ्योरी के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो वो हुआ था 1960s और 1970s एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट का एक पार्ट है डीकंस्ट्रक्शनिज्म भी, और ये बहुत ज्यादा फील्ड से इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कि फिलोसफी से, लिटरेरी थ्योरी से, आर्किटेक्चर से और कल्चरल स्टडीज से। डीकंस्ट्रक्शन इज अ वे ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग एंड एक्टिंग। डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, इसके बेसिक फाउंडर्स अगर हम देखें वो हैं हमारे पास जैक्यूज डेरिडा, 1930 से 2004 तक उन्होंने इस पर काम किया और इनको फ्रेंच फिलोसोफर और फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शनिज्म भी कहा जाता है। 1969 में बेसिकली इनने डीकंस्ट्रक्शनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया था। तो आपने इनका नाम जरूर याद रखना है, जैक्यूज डेरिडा, क्योंकि एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनने कुछ बातें की थी, इनने ग्रामेटोलॉजी के बारे में बात की थी, उसके साथ साथ इनने क्रिटिकल क्वेश्चनिंग के बारे में भी बात की थी, मेटाफिजिकल असम्पशंस के बारे में भी, और उसके बाद इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस जो कि फिलोसफी के हवाले से हमारे दिमाग में आती हैं, और लिटरेरी लैंग्वेज पर भी इनने डीकंस्ट्रक्शनिज्म का क्या कह लें, क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पर अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट्स देखें तो डिफरेंसेस को हम देखते हैं, बाइनरी ऑपोजिशंस यानी कि मेल फीमेल, गुड एविल और समर विंटर, हॉट कोल्ड, ये वाले बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं उसको हम देखते हैं। और थर्ड वन हम टेक्सचुअलिटी को देखते हैं कि जो टेक्स्ट है वो किस तरह यूज किया गया है, उसमें जो तो उसके मीनिंग्स हैं वो कौन से मीनिंग यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड के सिंगल और डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं।
और उसके अलावा इसमें है, इस पे क्रिटिसिज्म भी काफी किया गया, लेकिन फिर भी इस थ्योरी की अपनी पोजीशन अभी तक है, इसीलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं इसे। और बस